अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ऑटोकैड का क्वेश्चन नंबर 1, बैच 6 का। ठीक है, किस तरह से स्टार्ट करना है? हाँ, ये सबसे पहले आप देख रहे हैं माय एक्टिविटीज़ में आपको क्विजेस नज़र आ रहा है, ब्लू में ब्लिंक हो रहा भी है। ठीक है, इस तरह से आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो है वो विंडो आ जाएगी। स्टार्टिंग और एंडिंग डेट आपके सामने है। टोटल मार्क्स 10 है, क्योंकि आपको 10 MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे। एक सॉल्व करने के लिए आपको 90 सेकेंड्स दिए जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट मैसेज वो ये है कि क्योंकि क्विज जो है वो पर्सन टू पर्सन और सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है, मतलब ये वेरी करने का कि किसी को भी सेम क्विज नहीं आता। हो सकता है एक मैच करती हो स्टेटमेंट, हो सकता है दो। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जैसे ये वीडियो एंड होगी तो लास्ट पे आपको जो है कुछ वीडियोस जो है वो सजेस्ट हो रही होंगी, जिसको हम एंड स्क्रीन्स कहते हैं। ठीक है, वो आपने सबसे पहले चेक कर लेनी है। डिस्क्रिप्शन में आप अगर देखेंगे तो वीडियो का लिंक्स आपको जो है वो मिलेगा। वो सबसे पहले आपने वो तमाम वीडियो कम्प्लीट आपने चेक कर लेनी है, देन आपने अपना क्विज अटैम्प्ट करना है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपना क्विज अटैम्प्ट करेंगे तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से थी और इसका ये आंसर है। ठीक है, अब हम टेक क्विज के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और क्विज अपना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आगे आगे करके देखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एट द टाइम हम जो है वो हो सकते हैं चॉइसेस जो है वो चेंज हो जाए, तो आगे आगे करके देखेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। इसलिए ये कंप्लीट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, स्टेटमेंट आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है। हो सकता है कि कुछ जो है वर्ड्स आगे पीछे करके सेम बात पूछी हो, तो आपको जो है वो समझना है, इसलिए गौर से देखना और समझना। फर्स्ट स्टेटमेंट है टू ड्रॉ अ लाइन विद एनी स्पेसिफिक एंगल विच स्टेटस नीड्स टू बी टर्न्ड ऑफ। ऑप्शंस हैं ओ स्नैप, ग्रिड, ऑर्थो एंड पोलर। इसका जो राइट आंसर है वो है जी पोलर। दीज आर माई चॉइस। ठीक है, दीज आर माई ओपिनियंस। अगर आपको कोई इस तरह की स्टेटमेंट लगे कि इसका आंसर जो है या चॉइस जो है वो मैंने गलत मार्क किया है, तो वो आप काइंडली विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट में लिख सकते हैं कि फलानी स्टेटमेंट का फलाना आंसर था, तो आपके दूसरों को भी हेल्प आउट हो सके। सेकेंड स्टेटमेंट है वट इज़ द शॉर्टकट की टू ऑन और ऑफ ऑफ द ऑब्जेक्ट स्नैप टूल्स F3, F4, F7 एंड F9। इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है जी F3। F3 जो की है वो यूज़ करते हैं हम ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ या ऑन करने के लिए। ठीक, ए वाली को करते हैं मार्क और मूव करते हैं अपनी थर्ड वाली स्टेटमेंट पे। फिर कह रही हूँ कि वीडियो जो आपको एंड स्क्रीन पे मिलेंगी वो आपने लाजमी चेकआउट कर लेनी है, देन आपने अपना क्विज जो है वो अटेम्प्ट करना है। थर्ड है हमारे पास स्टेटमेंट वाइल यूजिंग डायनामिक इनपुट टूल टू एंटर डायमेंशंस इन अ 2D ड्राइंग, द फर्स्ट बॉक्स रिप्रेजेंट्स द डैश कंपोनेंट एंड द सेकेंड बॉक्स रिप्रेजेंट्स द डैश कंपोनेंट। उन्होंने ये पूछा है कि अगर आप ड्राइंग कर रहे हो सिंपल 2D में, आपने मिक्स नहीं हो जाना कि अगर आप कोई भी चीज़ जो है वो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे बना रहे हो तो उसका जो है वो किस तरह से उसके कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा कि जब आप कर रहे होते हैं ना, आपको सारे चेक्स नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन एट द टॉप आपको नज़र आ रहा होता है लिखा एक्स एक्सिस और नीचे जो है वो लिखा होता है वाई एक्सिस। जैसे अगर आपने ज्योमेट्री में किया हो तो नीचे वाला जो पोर्शन था उसका हम वाई एक्सिस रखते थे और साइड्स वाला जो था वो एक्स एक्सिस रखते थे। इस तरह से एक्स वाई जी ऊपर, जी जो था वो ऊपर होता था। तो किस तरह से उन्होंने पूछा हुआ, फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो हमारा एक्सिस होता है और सेकंड कंपोनेंट जो है वो हमारा वाई एक्सिस होता है। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कहीं नहीं लिखा होता। सबसे पहले वाई एक्सिस कभी नहीं आता, एक्स एक्सिस बाद में नहीं आता, एक्स पहले आता है एंड वाई बाद में आता है। तो जो बी वाला ऑप्शन है एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस, ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है ये नेक्स्ट स्टेटमेंट, व्हाट इज़ द बाय डिफॉल्ट लाइन वेथ इन ऑटोकैड। ऑप्शन है 0.25 मिलीमीटर, 0.15 मिलीमीटर, 0.50 मिलीमीटर, 1.00 मिलीमीटर। तो जो बाय डिफॉल्ट लाइन की वेट वेट होता है वो होता है जी 0.25 मिलीमीटर। ठीक है,
उसके बाद है जी फाइव वाली स्टेटमेंट, ये इन विच फॉर्म द ग्रिड्स आर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, ट्राइंगल्स। तो ये लाजमी सी बात है, जब आप ऑटोकैड पर ड्राइंग कर रहे होते हैं तो वो आपको बॉक्सेस बॉक्सेस जो हैं वो नज़र आते हैं, और वो किस शेप में होते हैं, सर्कल शेप में नहीं होते, स्क्वायर शेप में नहीं होते, ट्राइंगल बिल्कुल नहीं होते, वो होते हैं जी रेक्टेंगल की फॉर्म में। ठीक है, रेक्टेंगल ये होते हैं जिसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा होती है और उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी कम होती है, ये होते हैं रेक्टेंगल्स। तो उनकी जो ग्रिड होती है ऑटोकैड के ऊपर स्क्रीन की, वो होती है जी रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो बी वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन। ठीक है, और नेक्स्ट मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाकी जितने भी कोर्स हैं, टोटल जितने भी डिजी स्किल्स करा रहा है, उन तमाम के क्विजेस एक्सरसाइजेज आपको यहीं पे इसी चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे, और ताकि आपकी हेल्प आउट हो सके टाइम से, तो ये करना ज़रूरी है। ठीक है, सिक्स स्टेटमेंट है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले एंड क्लोज द कमांड लाइन। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सेवन, कंट्रोल प्लस एट, कंट्रोल प्लस नाइन एंड कंट्रोल प्लस लास्ट पे है ज़ीरो। तो कमांड लाइन के लिए जो हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो होती है जी कंट्रोल प्लस नाइन, यानी कि कंट्रोल नाइन। इसको करते हैं मार्क, और नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स टू ड्रॉ अ पॉलीगॉन। थ्री है, फोर है, फाइव है, टू है। तो इसका जो नॉर्मल साइड होती हैं वो ज़्यादा होती हैं पॉलीगॉन की, लेकिन थ्री जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। तो ए वाला जो है वो हम मार्क करेंगे कि मिनिमम साइड्स जो होती हैं पॉलीगॉन की वो होती हैं जी थ्री। उसके बाद है जी हमारे पास एट स्टेटमेंट, और एट स्टेटमेंट है जी विच टाइप ऑफ ड्राइंग नेम ऑटोकैड सेलेक्ट्स व्हेन यू डोंट सेव द ड्राइंग विद अ नेम। ऑप्शंस हैं ड्राइंग वन डॉट डी डब्ल्यू जी, डी डब्ल्यू जी डॉट वन, डी जी डब्ल्यू डॉट वन एंड ड्राइंग डॉट वन। तो अगर आप उसको कोई किसी भी स्पेसिफिक नाम से सेव नहीं करते तो वो आपकी ड्राइंग वन के नाम से जो है वो सेव होती है, यानी कि ड्राइंग वन डॉट डी डब्ल्यू जी, और डी डब्ल्यू जी जो है वो ऑटो कैड की एक्सटेंशन है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो तब भी वो आपको ये कहेंगे कि आपने डी डब्ल्यू जी फॉर्मेट के अंदर जो है वो अपनी एक्सरसाइज जो है वो सबमिट करानी है। ठीक है, इस द फाइल फॉर्मेट, बाकी अगर आप सेव नहीं करते तो वो आती है जी ड्राइंग वन डॉट डी डब्ल्यू जी, और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन। उसके बाद है इसको सेवन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और नाइन्थ वाली है जी फ्रॉम विच सेटिंग्स द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ ग्रिड कैन बी चेंज्ड। ऑप्शंस हैं स्नैप सेटिंग, और ट्रैक सेटिंग, ऑर्थो सेटिंग एंड लास्ट इज पोलर ट्रैक सेटिंग्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, कहाँ से हम चेंज करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लाइंस, वो होती हैं जी हमारी स्नैप सेटिंग्स के अंदर जब हम चले जाते हैं तो वहाँ से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो हैं वो चेंज होती हैं। ठीक है, स्नैप सेटिंग ये सेटिंग्स के अंदर ये ऑप्शन आ रहा होता है स्नैप सेटिंग का, वहाँ से आप जो है वो लाइंस की अलाइनमेंट ग्रिड वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ए वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा स्नैप सेटिंग। ठीक है जी, इसको करते हैं मार्क और अपनी लास्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। फिर बता रही हूँ क्विज जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसके लिए आपको जो है वो वीडियोस एट द एंड जो आपको मिलेगी, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वो आप चेक कर लीजिएगा, देन आपने अपना क्विज जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो जी इसको कर लेते हैं सेव, और लास्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो है जी हमारे पास ठीक है,
टेन वाली है, विच मेन्यू टैब इज क्लिक टू टर्न ऑफ यू सी एस आईकॉन, ऑप्शन एंड डिस्प्ले, रेंडर, विजुअल स्टाइल एंड 3D व्यू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास जी विजुअल स्टाइल्स के अंदर आप जब जाते हैं तो आपका यू सी एस आईकॉन जो है वो टर्न ऑफ हो जाता है, ठीक है। विजुअल स्टाइल सी वाला जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। तो क्विज जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।